हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोशी स्टडी पर। दोस्तों, BNMU यूनिवर्सिटी में BA, BSc, BCom में नामांकन हेतु सेकेंड मैरिट लिस्ट अपलोड कर दिया गया है। चलिए, आप इसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं मैरिट लिस्ट में आपका नाम आया है या फिर नहीं आया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि आप नए हैं, नए साथी हैं, नए मेहमान हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, इसके लिए आपको जो है BNMU का ऑफिशियल वेबसाइट आपको सर्च कर लेना है। हम यहाँ से सिंपली सेव करके रखे हैं, हम इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन कीजिएगा आपका जो है मेन पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर BA, BSc, BCom ऑनर्स के लिए सेकेंड कट ऑफ मैरिट लिस्ट जो है अपलोड कर दिया गया है। तो आपको यहाँ से मैरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं व्यू मैरिट लिस्ट एकेडमिक सेशन 2019-21, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका डिटेल्स मांगा जाएगा। यहाँ पर जो है सेशन तो आपका यही रहेगा 19 से 20 वाला सेशन, और यहाँ पर आपको डिग्री टाइप कर लेना है। आपका ऑनर्स सब्जेक्ट अंडर ग्रेजुएशन में है तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आप टाइप कीजिएगा, BA है, BCom है, जो भी है। हम यहाँ से BSc ले लेते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है BSc में क्या है आपका, तो वो आप ले सकते हैं। अभी जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर आप एडमिशन की बात करें, कब से एडमिशन होगा, तो यहाँ से देख सकते हैं सभी पर 26 जून लिखा हुआ है। 26 जून, 26 जून से एडमिशन स्टार्ट है। और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के लिए देख सकते हैं 11 जून तक है, 11 जून दिया हुआ यहाँ पर। तो आप जो है अलग अलग सब्जेक्ट टाइप करके जिस सब्जेक्ट से हैं आप उसे डाउनलोड कर लें। यहाँ से हम जैसे मैथमेटिक्स के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर दो टाइप से देख सकते हैं दिखाया गया है। एक BSc ऑनर्स कट ऑफ सेकेंड गैस नॉर्मलाइजेशन मैथमेटिक्स, और दूसरा है कट ऑफ वन गैस नॉर्मलाइजेशन मैथमेटिक्स। ये 11 जून है जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया था, और ऊपर वाला सेकेंड है। तो आपको सिंपली ऊपर वाला पर क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, आपका जो है मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो गया है। ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना है, या फिर सर्च बार में आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स BSc ऑनर्स के लिए देख सकते हैं 2528 सीट टोटल यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रोविजनल लिस्ट एप्लीकेशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट सेशन 19 से 20 के लिए, और यह जो है जनरेट जो किया गया है देख सकते हैं यह आज आज का है। और यहाँ पर एक्चुअल मार्क्स दिखा रहा है, सब्जेक्ट वेटेज दिखा रहा है, एडमिशन मेरिट इंडेक्स परसेंट में दिखा रहा है, और यहाँ पर पास ईयर डेमोग्राफिक बोर्ड जो है आपका जो भी था वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्च बार में अपना नाम टाइप करना है। जैसे मैं अपना नाम सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं नो मैच, इस तरह से यहाँ पर आपका 00 नाम आएगा। तो इसका मतलब समझ लीजिए नवीन कुमार नाम से कोई भी नाम इसमें नहीं है स्टूडेंट का। यदि हम दूसरा नाम टाइप करें, दूसरा नाम हम यदि टाइप कर लेते हैं मनीष, तो यहाँ पर देख सकते हैं मनीष के नाम से 6 स्टूडेंट हैं। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट मनीष जो दिया गया है वो सीरियल नंबर 68 पर है, और दूसरा के लिए आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना है यहाँ पर। तो आपका सेकेंड नंबर, सेकेंड मनीष, थर्ड मनीष, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक यहाँ तक आप जो है चेक कर सकते हैं। टोटल 175 स्टूडेंट का सेकेंड मेरिट लिस्ट में मैथमेटिक्स के लिए नाम आया है, और थर्ड मेरिट लिस्ट भी इसका जारी कर सकता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है
देख सकते हैं एससी के लिए, एसटी के लिए यहाँ पर अलग अलग सीट भी दर्शा दिया है कि कैंडिडेट के लिए कितना सीट है। तो आप सबसे नीचे में आएंगे तो यह डिटेल भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना नाम चेक कर लीजिए और एडमिशन के लिए आप ज़रूर कॉलेज चले जाइए और एडमिशन करा ही लीजिए किसी भी हालत में। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।